हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखेंगे सरस्वती सम्मान के बारे में। देखिए, आपके यूपीएसआई या किसी भी अन्य परीक्षा में, खास करके यूपीएसआई जो कि पेपर आपका लगा हुआ है, उसमें आपके जो सम्मान है वहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक से दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, चाहे वह ज्ञानपीठ पुरस्कार हो या व्यास सम्मान हो या सरस्वती सम्मान। तो आज हम सरस्वती सम्मान के बारे में देखेंगे। तो चलिए, इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे और हम उनकी लिस्ट भी देखेंगे कि किसको कब और किस लिए ज्ञान सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले इसके आरंभ की बात करते हैं। तो इसका आरंभ कब हुआ था? 1991 में। देखिए, 1991 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन ये कई बार आया कि ये किसके द्वारा दिया था, किस ग्रुप के द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक, कितने भाषाओं के लिए? देखिए, कितनी भाषाओं के लिए? तो 8वीं अनुसूची में जो हमारी टोटल 22 भाषाएं हैं उनके लिए सम्मान दिया जाता है। ठीक, याद रखेंगे, 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनके लिए ये दिया जाता है। चाहे जिस भाषा में आप साहित्य का निर्माण करते, साहित्य लिखते हैं, तो उसके लिए ये दिया जाता है। और देखिए, ये किस साहित्य के लिए जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए, 10 साल के अंतर्गत किसी भी प्रकाशित होने वाली पुस्तक के लिए ये पुरस्कार दे दिया जाता है। ठीक है, आपके 10 साल के अंतर्गत छपी हुई कोई भी बुक देखी जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी होगी, तो उसके आधार पर इसका चयन किया था। तो याद रखेंगे, 10 वर्ष के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली किसी भी पुस्तक के लिए। ठीक, अब देखिए इसमें दिया क्या क्या जाता है। तो एक आपको साल भेंट किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र होता है जो पत्र दिया था कि हाँ आपने ये सम्मान अर्जित किया, और एक प्रतीक चिन्ह होता है इसका, वो दिया था ना। और राशि की बात करते हैं, कितने रुपए? 15 लाख रुपए। ठीक, 15 लाख रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम सम्मान किसको दिया गया, प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया। तो देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि हिंदी भाषा के लिए ही दिया गया है। तो किसको दिया गया? देखिए, हिंदी भाषा के लिए हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, ठीक, उनको दिया गया था। किसके लिए? उनकी 4 खंडों में प्रकाशित होने वाली आत्मकथा। 4 खंड कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी 4 आत्मकथा प्रकाशित हुई थी, उनके लिए इन्हें दिया गया था। कौन कौन सी 4 आत्मकथा थी? और ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि 10 दौर से सोपान तक किसकी रचना है? तो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूँ क्या याद करूँ, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। नीर का निर्माण फिर। ठीक, आपने सुना होगा। तो ये किसका है? हरिवंश राय बच्चन की। बसेरे से दूर, ये हरिवंश राय बच्चन की। इन चारों को मिला करके इन्हें क्या दिया गया था? सरस्वती सम्मान। ठीक, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा। तो आपको पहला क्वेश्चन याद रखना कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1991 में। किसके द्वारा दिया जाता? तो के बिरला ग्रुप द्वारा। ठीक, कितनी राशि दी जाती? तो 15 लाख रुपए। ठीक, सबसे पहले किसको दिया गया? तो किस भाषा के लिए? तो हिंदी भाषा के लिए। किसको दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को। किस लिए दिएगा? तो 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा के लिए। अगर उनके नाम पूछते हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे? 10 द्वार से लेकर सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, और बसेरे से दूर। ठीक, अब बात करते हैं अंतिम, क्योंकि ये लेटेस्ट है भैया, ये भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये करंट में पूछा जा सकता है। तो अंतिम सम्मान कब दिया गया? 2019 में दिया गया था। बहुत ही अच्छा है, वासुदेव मोही को। किस भाषा के लिए? सिंधी भाषा के लिए। याद रखेंगे, सिंधी भाषा के लिए। किसको? वासुदेव मोही। ये पूछा जाता क्वेश्चन, किस के लिए? चेकबुक। इनकी एक चेकबुक शॉर्ट आत्मकथा थी, मतलब शॉर्ट बहुत छोटी वो थी, नाटक टाइप की। ठीक, तो उसके लिए इन्हें दिया गया। तो कौन सा? चेकबुक के लिए। ठीक, याद रखेंगे, चेकबुक आप जानते होंगे जो बैंक में यूज होता है, तो उस तरीके से याद कर लेंगे। लास्ट 2019 का चेकबुक किसके लिए? वासुदेव मोही के लिए। किस भाषा के? सिंधी भाषा के लिए। चलिए आप टोटल देखते, देखिए 1991 शुरू हुआ, तो पहला 1991 हमने बता दिया, हरिवंश राय बच्चन जी को, उनकी 4 खंडों की जो प्रकाशित हुई थी आत्मकथा, उसके लिए हिंदी भाषा का। याद रखेंगे, हिंदी भाषा के लिए केवल 2 आज तक दिए गए हैं, 2 साहित्य मतलब ये ज्ञान सॉरी सरस्वती सम्मान 2 ही दिए गए हैं हिंदी भाषा के लिए। तो वो तो जरूर याद रखेंगे, बाकी आप याद रखो या ना याद रखो। ठीक, तो 1991 में किसको? हरिवंश राय बच्चन को। 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा के लिए हमने चारों के बारे में नाम भी बताए हैं, वो आप लोग पीछे फिर से देख सकते हैं। ठीक, याद रखेंगे, चारों क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनकी कौन सी रचना है। ठीक, 1992 में रमाकांत राय को किस रचना के लिए, जो उनकी काव्य थी श्री राधा के लिए, ये उड़ीसा में लिखी गई, उड़ीसी भाषा में ना, उड़ीसा, तो उड़िया में लिखी गई थी। ठीक, अगला है 1993 में विजय तेंदुलकर को किसके लिए? कन्यादान के लिए। नाटक है ये, मराठी भाषा के ये साहित्यकार हैं, तो मराठी भाषा के लिए इनको दिया गया। अगला देखते हैं 1994 में हरिभजन सिंह को ना, रुखते ऋषि काव्य संग्रह है पंजाबी भाषा में, हरिभजन सिंह को ये दिया गया था। ठीक, अगला है 1995 में किसको दिया गया? तो बालामणि अम्मा को निवेद्यम के लिए, मलयालम भाषा के लिए। ठीक, ये भी काव्य संग्रह है। ठीक, अगला देखते हैं 1996 में किसको दिया गया? शमसुर रहमान फारूकी को किसके लिए? शेरे शोर अंग्रेज,
ठीक, अंग्रेज उर्दू भाषा के लिए, ठीक, उर्दू भाषा के लिए 1996 में। अगला है 1997 में किसको, मनु भाई पंचोली को, कुरुक्षेत्र के लिए, कुरुक्षेत्र इनकी रचना है गुजराती भाषा में। ठीक, अगला है 1998 शंख घोष, ना याद रखेंगे शंख घोष है तो किसके लिए, गंधर्व कविता गुच्छ के लिए, काव्य संग्रह इनकी बंगाली भाषा के लिए, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1999 में तो किसको, इंदिरा गांधी पार्थ, सॉरी इंदिरा पार्थ सारथी को, किसके लिए, रामानुजर के लिए, नाटक है भैया तमिल भाषा का, ठीक, तमिल भाषा के लिए इनको दिया गया। अगला देखते हैं 2000 में मनोज दास को अमृत फल के लिए, ये उपन्यास है उनकी उड़ीसा भाषा में, उड़िया भाषा में है। ठीक है, अगला है 2001 में दलीप कौर तिवाना को कथा कहो उर्वशी, उपन्यास है इनकी पंजाबी भाषा में। देखिए पंजाबी भाषा में हमने हरभजन को भी देखा और इनको भी पंजाबी भाषा के लिए दिया गया, तो नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला है महेश 2002 का, महेश के किसके, युगांत के लिए ना, मराठी भाषा के लिए। 2003 में गोविंद चंद्र पांडे को भागीरथी के लिए, ठीक है, काव्य संग्रह है संस्कृत भाषा के लिए इनको दिया गया। ठीक, अब 2004 में है सुनील गंगोपाध्याय के लिए प्रथम अलो के लिए, ये बंगाली भाषा को उपन्यास है इसके लिए। ठीक, अगला है 2005 का, किसको दिया गया, के अयप्पा पणिक्कर को ना, किसके लिए, अयप्पा पनिकरुडे कृतिकाल के लिए। ठीक, ये इनका काव्य संग्रह मलयालम भाषा का है। ठीक, अब 2006 की बात कर लेते हैं, जगन्नाथ प्रसाद दास को परिक्रमा के लिए, ये काव्य संग्रह इनकी उड़ीसा भाषा में ना, ओडिया भाषा में। ठीक, तो इसके लिए दिया गया। 2007 की बात करते हैं तो नैर मसूद को दिया गया, किसके लिए, ताऊस चमन की मैना के लिए, ये लघु कहानी संग्रह, ठीक, छोटी सी कहानी है उर्दू भाषा की, इसके लिए इनको दे दिया गया। ठीक, 2008 की बात करते हैं तो लक्ष्मी नंदन वोरा को किसके लिए, कायाकल्प इनकी उपन्यास है, याद रखेंगे कायाकल्प असमिया के लिए। ठीक है, अब देखिए सुरजीत पातर को 2009 में, फिर लफ्जा दरखां के लिए, देखिए ये भी पंजाबी भाषा, तो पंजाबी कविता हमने तीन लोग देख चुके हैं। ठीक, इनको दिया गया 2009 में। 2010 की बात करते हैं तो किसको, एस एल भैरप्पा को मंद्र के लिए, कन्नड़ भाषा का। ठीक, 2011 की बात करते हैं तो ए मनवालन को दिया गया है इरामा कथायुम और इरामा कुलम के लिए, ठीक, तमिल भाषा की है। ठीक, 2012 में देखते हैं तो सुगाथा कुमारी को मन ले जुथो के लिए, ये काव्य संग्रह है मलयालम भाषा की। अब वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए दूसरा हिंदी का पुरस्कार, हिंदी का दूसरा पुरस्कार किसको दिया गया, हिंदी भाषा के लिए जो आपका सरस्वती सम्मान है वो दूसरा किसको दिया गया, पहला देखिए प्रथम ही दे दिया गया था, ठीक, हरिवंश राय बच्चन को, दूसरा गोविंद मिश्र को, वेरी इंपॉर्टेंट, धूल पौधों पर इनकी उपन्यास याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा आपको यूपीएसआई के पेपर में। ठीक, किस भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों जरूर याद रखेंगे। ठीक, उसका 2014 का वीरप्पा मोइली को किसके लिए, रामायण महानवेश्वरम के लिए, कन्नड़ भाषा के लिए। ठीक, अब 2015 का पद्मा सचदेव को चितचोर के लिए, ठीक, ये डोगरी भाषा का है। ठीक है, अगला देखते हैं महाबलेश्वर सैल को, ये पूछा भी जा चुका कई बार, हाउटन के लिए, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया 2016 में, और 2017 में ये भी कई बार पूछा जा चुका, सितांशु यशचंद्र वकार के लिए। ठीक है, ये गुजराती भाषा के बहुत ही अच्छे लेखक थे। ठीक, अब देखिए 2018 का ये भी आपको क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिला होगा, के शिवा रेड्डी को पक्की औतिंगलित्य के लिए, तेलुगु भाषा के लिए। ठीक, अब 2019 जो कि लेटेस्ट है, ये 100% पूछा ही जाना है, इसको जरूर आप याद रख लेंगे, किसको, वासुदेव मोही को चेकबुक के लिए दिया गया, जो ये लघु कथा संग्रह है एकदम छोटा सा। ठीक, सिंधी भाषा के लिए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपको हम बता दें कि आपको कुछ भी भूल जाना, मगर ये दोनों, ये तीन चीज़ें मत भूलना, एक ये 2019 का लघु चेक क्योंकि ये करंट है, और हिंदी का ये दूसरा है फूल धूल पौधों पर हिंदी भाषा के लिए ना, गोविंद मिश्र की, और प्रथम वाला जो आपको बताया है हमने, ठीक, बच्चन जी का। ठीक, तो वो याद रखेंगे, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमें कमेंट करके बताना कि जो प्रथम हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया था, और किस भाषा किस रचना के लिए दिया गया ना, प्रथम हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक, प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया और किस भाषा के लिए दिया गया। ठीक, नहीं सॉरी, भाषा नहीं, हिंदी का हम पूछ रहे हैं, प्रथम हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया और किस रचना के लिए दिया गया। ठीक, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। चलिए, थैंक यू।